नमस्कार दोस्तों, एक बार नए वीडियोज में आप सभी का स्वागत। और आज हम आपको बताने वाले भुवनेश्वर एयरपोर्ट आप कैसे जाएंगे और क्या क्या है। आपको बता दें कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट, जिसका नाम है बिज्जू पटनायक एयरपोर्ट, जो कि वहां के सीएम के लिए रखा गया है ये एयरपोर्ट का नाम, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियोज को अंत तक जरूर देखिएगा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट दोस्तों, जिसका कोड है BBI, जब भी आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। जहाँ पे तीन टर्मिनल है, टर्मिनल 1, 2, 3, लेकिन 1 और 2 जो है वो अभी चालू है। 1 में जो वो डोमेस्टिक फ्लाइटें आती है और 2 में जो इंटरनेशनल फ्लाइटें वो आती है। आप देख सकते हैं, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपको इस तरीके से मिलेगा गेट, जहाँ पे इन करने के लिए आपके पास टिकट होना चाहिए और इसके साथ साथ वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। अंदर आने के लिए आप ये दो चीज़ दिखाएंगे तभी आपको अंदर आने दिया जाएगा, बाकी लोग बाहर ही रह सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह पर बैठने की सुविधा, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और बैठ के फिर आपका जहाँ पर है बोर्डिंग पास, वहाँ से आप बोर्डिंग पास निकलवा सकते हैं। ये बाहर का दृश्य है, ये आपका बाहर लोकेशन है जहां से आप इन करेंगे, और अंदर में कुछ इस तरीके से आपको देखने के मिलेगा, जहां पे आपको बेल्ट वाले जो है वो आपको मिल जाएंगे, बेल्ट लेयर वाले अलग अलग, साथ में जो भी फ्लाइटें आती है उसकी अलग अलग काउंटर बनाई गई है। जिस फ्लाइट में आप, जिस कंपनी में आपका फ्लाइट है उसमें आप जाके फिर बोर्डिंग पास ले सकते हैं, अपना टिकट और लगेज वगैरह दे सकते हैं वहां पर। तो अलग अलग काउंटर बनाया गया और यहां पर आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी, साथ साथ में कुछ शॉपिंग करना हो तो वो भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। और दुकानें जो है वो लगातार है यहाँ पे, बर्गर किंग वगैरह इन सभी चीज़ों का। ATM का सुविधा भी अवेलेबल आपको अंदर मिल जाएगा। जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बैग डालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक इन करना पड़ेगा, और बैग डालने के बाद स्कैन होने के बाद देखिए आपका बैग यहाँ पे निकलेगा। बैग लेने के बाद फिर आप बोर्डिंग पास के लिए अलग काउंटर में जा सकते हैं, जहाँ से आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं। बोर्डिंग पास आप जो है वहाँ पर अपने से एक सेल्फ बोर्डिंग पास मशीन भी रखा गया, जहाँ से आप बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं, साथ साथ में काउंटर में जाके भी ले सकते हैं। दुकानें देखिए लगातार यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं। ये है इंडिगो का और स्पाइस जेट का अलग अलग काउंटर बनाया गया है, टिकट आपको लेना तो यहीं से ले सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर भी आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाती है, जहाँ पर गाड़ी वगैरह पार्क करके देन आप अंदर आ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होता है तो टर्मिनल मैनेजर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो जस्ट लोकेशन में उनका काउंटर है। तो ये टर्मिनल 1 जो है वो अभी जो है डोमेस्टिक फ्लाइटें, अगर आप दिल्ली वगैरह से जा रहे हैं तो आपको टर्मिनल 1 में उतरना पड़ेगा, और 1 से ही आप ले सकते हैं फ्लाइटें। जो कि दिल्ली का किराया की बात करें तो यहाँ से 4000 समथिंग रुपये पड़ेगा दिल्ली से भुवनेश्वर जाने के लिए। भुवनेश्वर जहाँ पे अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज है, उड़ीसा का राजधानी भी है, तो यहाँ पे लोग अधिकतर जाते हैं जो कि कॉलेजों में काम है या कोई और चीज़ों में काम है, तो यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह वो फ्लाइटें वगैरह लगातार लेते हैं। तो यहाँ से आपको एयर एशिया इंडिया मिल जाएगा, एयर इंडिया मिल जाएगा, एयरलाइंस एयर मिल जाएगा, इंडिगो मिल जाएगा, विस्तारा मिल जाएगा। ये 5 फ्लाइटें जो है लगातार चलती है, बेंगलोर और कोलकाता पुणे के लिए एयर एशिया का आपको लेना पड़ेगा। इंडिगो लीजिएगा तो इलाहाबाद वगैरह, बेंगलोर वगैरह, जयपुर, कोलकाता, इन सभी जगह के लिए आपको इंडिगो मिल जाएगा। विस्तारा जो है दिल्ली मुंबई के लिए चलती है। तो ये है फ्लाइटें जो कि अंदर में, जब आप एयरपोर्ट के अंदर आएंगे तो इस तरीके से लगेगी, जहाँ पर बस की सुविधा है बस से आपको पहुँचाया जाएगा, एयर एशिया से आप या कोई भी फ्लाइटें जो है उस फ्लाइटें से आप यहाँ से जा सकते हैं। अलग अलग फ्लाइटें लगती है और थोड़ा दूर में जो टर्मिनल में लग रही है वहाँ तक आपको बस ले जाएगी। तो इस तरीके से आप यहां से अनेक जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। और ये पूरा भुवनेश्वर का टूर था जो मैंने आपको चाहा कि दिखाऊं। इस तरीके से एयरपोर्ट में आपको मिलेगा, अलग अलग काउंटर बनाया गया, बाहर बहुत ही बड़े स्पेस है, जब आप जाएंगे तो कैब वगैरह से तो आपको बाहर ही छोड़ा जाएगा, देन आप अंदर जो है टिकट वगैरह दिखा के जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप सिटी की बात करें भुवनेश्वर, तो 5 किलोमीटर की दूरी है, और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की बात करें तो 4 किलोमीटर की दूरी है, जो कि कभी भी कैब वगैरह ऑटोज वगैरह आपको मिल जाएगा, देन आप यहाँ से वहाँ दोनों जगह पे जा सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन है यहाँ का दोस्तों, जो मैंने चाहा आपको दूँ, और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं एयरपोर्ट को बहुत ही स्वच्छ रखा गया, पूरी तरीके से क्लीन रखा गया है, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हर रोज़ ट्रैवल करते हैं। चूँकि भुवनेश्वर है, उड़ीसा पुरी भी जाना है तो आपको इसी जगह पे उतरना पड़ेगा। पुरी की, जगन्नाथ पुरी की दूरी यहाँ से 58 किलोमीटर है, जो कि आपको कैब वगैरह या प्राइवेट गाड़ियाँ वगैरह लेके जगन्नाथ पुरी मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी एयरपोर्ट में उतरना पड़ेगा। तो ये भुवनेश्वर का एयरपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इन सभी जगह पर जाने के लिए, चूँकि उड़ीसा में अधिकतर जगह पर आप जाएंगे तो आपको यहीं पर उतरना पड़ेगा, जो कि फ्लाइटें वगैरह हर रोज़ चलती है, हर रोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है फ्लाइट का जो है बिज्जू पटनायक एयरपोर्ट, जिसे जो वहाँ के सीएम है उनके नाम से रखा गया है, और बहुत ही सुंदर रखा गया, बहुत ही बड़े क्षेत्र में है।
तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। और ये है आपका भुवनेश्वर एयरपोर्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक और वीडियो हमने बनाया है भुवनेश्वर जंक्शन का, वो भी आप देख सकते हैं, और पूरी जगन्नाथपुरी का भी, वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे अलग अलग बेल्ट लेयर बना हुआ है, B1 B2, जिस भी आपका आएगा उसमें आप आ सकते हैं। होटल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ होटल कोई महंगा नहीं है, 500 से लेकर 200 300, जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से आप यहाँ पे रुक सकते हैं।